स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के और एक शानदार वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे आपको कितना ब्याज मिलता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे दोस्तों कि अलग अलग टाइम के लिए आपको कितना ब्याज मिलेगा, यानी कि अगर आप अपने पैसे को एक साल, दो साल, तीन साल के लिए डिपॉजिट करते हैं तो आपको कितना ब्याज मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों हम SBI फिक्स्ड डिपॉजिट कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे, उसके मदद से हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना इंटरेस्ट रेट दो महीने तीन महीने में रिवाइज करता रहता है, तो इस वीडियो में दोस्तों आपको SBI का लेटेस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट के ऊपर आपको अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे कि अगर आप अपने 1 लाख रुपए का FD करते हैं एक साल, दो साल, तीन साल के लिए तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों चलिए आज हम जानते हैं SBI का फिक्स्ड डिपॉजिट लेटेस्ट स्कीम के ऊपर। तो इसके लिए हम चलेंगे SBI के ऑफिशियल साइट पर। तो चलिए दोस्तों साइट के चल के हम देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों हम आ गए हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल साइट पे। यहाँ पे दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट है वो रिवाइज किया गया था 15/2/2023 को, यानी कि दोस्तों 15 फरवरी 2030 को ये रिवाइज किया गया था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट रेट, अगर आप अपने पैसे को 7 से 45 दिन तक डिपॉजिट करते हैं तो आपको 3% पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 3.5 मिल जाएगा। उस तरह से 46 डेज से 179 डेज के बीच में आपको 4.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। सीनियर सिटीजन को 5% का इंटरेस्ट मिल जाएगा। दोस्तों उस तरह से अगर आप जितने ज़्यादा टाइम के लिए आप अपने पैसे को रखेंगे आपका उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। सबसे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है 2 साल से 3 साल के बीच में, यहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं तो 7.5% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। दोस्तों अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पे कैलकुलेटर के मदद से एक बार समझते हैं कि आप यहाँ पर दोस्तों किस तरह से आप अपना इंटरेस्ट रेट को आपको कितना कैलकुलेट कर सकते हैं और कितना मिलेगा उसको कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आ गए हैं SBI का मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेटर के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों हम यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट हमने चूज कर लिया है दोस्तों 1 लाख रुपये। अब जैसे कि हमने बताया था दोस्तों कि अगर आप अपने पैसे को 2 से 3 साल के लिए डिपॉजिट करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 2 से 3 साल के लिए, तो यहाँ पे आपको 7% से मिल जाता है दोस्तों इंटरेस्ट रेट। तो उसी तरह से हमने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को 7% चूज कर लिया है। आप अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से दोस्तों इसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों हमने जो महीना रखा है 2 साल के लिए होता है दोस्तों 24 महीने, तो हमने 25 महीने का लेके चला है। तो आपने डिपॉजिट किया था दोस्तों 1 लाख रुपये, 25 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों 15,554 रुपये, 15,554 रुपीज़, और आपका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा 1,15,554 रुपीज़। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि ये जो आपको इंटरेस्ट मिला क्या ये टैक्सेबल अमाउंट में आता है। या दोस्तों FD के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो उसके ऊपर टैक्स लगता है, पर इसका एक कंडीशन है दोस्तों कि ये जो वैल्यू है वो 50,000 के ऊपर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर टैक्स मिलेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी कैलकुलेशन को हम 1 साल 2 साल के लिए करते हैं। अगर यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आप 1 साल के लिए इसका डिपॉजिट करते हैं तो 1 साल के लिए 1 ईयर टू लेस देन 2 ईयर, तो यहाँ दोस्तों आपको 6.8 से इंटरेस्ट मिल जाता है। आप 211 से 1 साल के तक करते हैं तो 5.75 आपको इंटरेस्ट मिल जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम इसको 6.8 पे सेट कर देते हैं, तो 6.8% ब्याज के हिसाब से अगर आप इसको 1 साल के लिए करते हैं, तो अगर आप इसको 1 साल यानी कि 12 महीने के लिए करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6,975 रुपीज़। तो उस हिसाब से दोस्तों इस कैलकुलेटर के मदद से आप पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना रुपये के प्रिंसिपल पे यानी कि कितना रुपये फिक्स डिपॉजिट करेंगे, उस हिसाब से आप इस चार्ट से आप यहाँ पर दोस्तों इंटरेस्ट रेट डाल सकते हैं और यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा और आपका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे आपको दिखा देगा दोस्तों। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप फिक्स डिपॉजिट का कैलकुलेशन सीख जाएंगे। इन दोनों का लिंक दोस्तों यानी कि कैलकुलेटर और ये तो दोस्तों यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट रेट का चार्ट है और कैलकुलेटर का लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक मिल जाएंगे। आप अपने हिसाब से ये कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।